हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रिज्यूम को आगे बढ़ाते हुए नंबर एनालॉजी लेके आया हूँ। इसमें बताऊंगा कि कैसे एक दूसरे से जैसे रिलेटेड होता है सिमिलरिटी एंड एनालॉजी में, उसी तरह हम नंबर से एनालॉजी में ये है कि जैसे इन दोनों का रिलेशन है उसी तरह हमें इन दोनों का रिलेशन दिखाना होता है। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेफिनेटली आप एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का पार्ट वन एंड पार्ट टू जरूर देखें। उसमें काफी बेसिक और काफी अच्छी तरह से समझाया भी गया है और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे लिए गए हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसमें आप कई तरह से बना हुआ है, जरूर देखें। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या रिलेशन लेना होता है इसमें से, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जैसे देखिए 42 और 20 इन दोनों का जैसे भी रिलेशन दिया हुआ है, द सेम रिलेशन हमें 64 और आने वाला वर्ड में देना होता है। ठीक है, तो 42 और 20 इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो देखिए सबसे पहले इसे प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इजी वे में जाएंगे सबसे पहले, तो माइनस करेंगे। तो कितना माइनस कर दे, 42 में हम कितना घटा दें जो मेरा 20 आ जाए, तो डेफिनेटली है कि 22 को घटाएंगे। तो 42 में 42 में 22 घटा देंगे तो 20 हो गया मेरा। तो उसी तरह 64 में हम क्या करेंगे, 22 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट वाला में 22 घटाए, इसी तरह हम नेक्स्ट में भी क्या करेंगे, 22 ही घटाएंगे। तो 42 में हम 22 घटा दिए तो 20 आया, तो 64 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 242। तो देखना हमें हमें कि ऑप्शन में है या नहीं है। तो देखिए 31 32 40 42, देखिए 42 डी में दे रहा है। ठीक है, यहां आपका आंसर ये सही होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको इंटू करना, ये करना, इजी वे आपको सोचना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। तो सबसे पहले समझने का जरूरत है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्वेश्चन दो सॉल्व करते हैं अभी। देखिए दो नंबर में क्या है, 11 132, तो 11 132। उसी तरह डैश और डैश मींस यहां कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमें बस डैश मींस वन और वन, वन के जगह पे हमें क्या लाना है, दोनों साइड। तो देखिए क्या करना है, हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है, कैसे इन दोनों का रिलेशन है एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यदि हम 11 है और 132 है, जब छोटा से बहुत बढ़ते हैं तो वहां पे स्क्वायर या क्यूब का ज्यादा चांस होता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके देखते हैं। 11 का स्क्वायर, अब प्लस 11 करते हैं तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 11 तो कितना हो गया, 132। डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 11 है और वो 132 है, 11 का स्क्वायर प्लस 11 मेरा कितना हो गया, 132। द सेम वे हम यहाँ पे करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम कहाँ जाएंगे, तो डायरेक्ट डेफिनेटली हम ऑप्शन में जाएंगे, तभी तो पता चल जाएगा कि किसका हमें रिलेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ है 11, उसका 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो वहां हमें होना चाहिए ऑप्शन में फर्स्ट में जो भी हो उसका स्क्वायर प्लस उतना ही होना चाहिए। तो जैसे एक्स है मेरा यदि, तो हमें बाहर में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही फॉर्मूला हमें चाहिए ना। तो 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। तो 10 यदि लेते हैं तो 10 का स्क्वायर भी 100 हो गया, अब प्लस इसमें जोड़ेंगे तो और प्लस हो जाएगा, तो मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा आएंगे 9 है, 9 का स्क्वायर और 9 जोड़ना हमें, तो 9 है यदि तो 9 का स्क्वायर और प्लस 9 तो कितना हो गया, 9 81 और 9 90, तो ये डेफिनेटली मेरा सही होगा, तो मेरा ऑप्शन बी डेफिनेटली सही होगा आंसर। अब आते हैं सी में, तो 13 है तो 13 का स्क्वायर प्लस 13, तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आते हैं डी में, 15 का स्क्वायर 225 में से हम फिर 15 जोड़ेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक्स जोड़ेंगे, तो 225 और 15 240, तो हमें कितना चाहिए था, 240, लेकिन है कितना यहाँ, 250, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब डेफिनेटली है कि एक मिल चुका है पहले ही ऑलरेडी, तो दो ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम आएंगे तीसरा नंबर पे। देखिए तीसरा नंबर क्या है, दिए गए समूह में समान है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ये बड़ा होता है, मैं ये लिखा हूं कि दिए गए समूह, समूह कौन सा दिया गया है, तो 21 30 और 48, ये एक समूह दिया गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऐसा आंसर होगा जो इसी के समान होगा।
तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का दो तीन वे होता है बनाने का। सबसे पहले इसको देखिएगा तीनों का जो तीनों हो या चार भी कभी भी दिया जाता है तो क्या करेंगे, या तो किसी से डिवाइड हो, जैसे तीन से हो, चार से हो, पांच से हो, किसी से डिवाइड हो, किसी से मल्टीप्लाई हो, या किसी का स्क्वायर हो, इस टाइप का मिलेगा आपको। और ऑप्शन में भी हमें द सेम वे ढूंढना होता है, ठीक है, इसका एक यही तरीका बनाने का। तो देखिए 21, 30 और 48 यहां आप देख सकते हैं कि ये भी डिवाइड तीन से है, ये भी डिवाइड तीन से है, ये भी डिवाइड तीन से है, तीनों का तीनों जो है वो क्या है, तीन तीन से कट रहा है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा है जो तीन तीन से कट रहा है। तो आठ लेते हैं तो आठ तीन से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहां आएंगे बी में तो देखिए नौ है तो नौ हमारा तीन से कट रहा है, फिर अठारह है वो भी तीन से कट रहा है, फिर छत्तीस है वो भी तीन से कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन सपोज कि ऑप्शन दूसरा भी तीन से कहीं कट रहा हो तो दूसरा वे से बनाएंगे हम, देखिए तेरह तो तीन से नहीं कट रहा है तो ये नहीं हो सकता। फिर जैसे डी है, डी में छह है, तीन से कट रहा है डेफिनेटली, तो उसके बाद चौदह है, चौदह नहीं कट रहा है डी से, फिर इक्कीस है, इक्कीस कट रहा है, लेकिन क्या है, चौदह मेरा नहीं कट रहा है इसलिए ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। लेकिन यदि इस टाइप से कहीं छह के बाद कहीं नौ होता फिर इक्कीस होता तो उसमें तो कट जाता, तो क्या करेंगे हम, तो फिर दूसरा वे से बनाते। जैसे देखिए इसमें क्या है आपका, 21 है, 30 है, 48 है, एक वे तो बता दिए कि डिवाइड तीन, डिवाइड तीन से ये कट रहा है और ऑप्शन बी कट रहा है। अब दूसरा वे देखिए, इन दोनों का आंसर क्या हो सकता है, अंतर दोनों को यदि घटाते हैं तो 9, 21 में 30 में से घटा दिए तो 9, या फिर आप यहां पर प्लस 9 कर सकते हैं कि प्लस 9 हुआ, और यहां से हम करेंगे तो प्लस 18 हुआ, ठीक है डेफिनेटली। अब ये कितना हो गया, इसका 2 से मल्टीप्लाई है, यही है ना फॉर्मूला, 21 से हम कितना किए प्लस 9 30 हो गया, और 30 से 48 गए तो प्लस 18, और 9 से ये डबल है मींस इनटू 2, 9 यहां निकला, यहां 18 है इनटू 2 डेफिनेटली। अब इसी द सेम वे हमें क्या चाहिए आंसर, तो हम जो दो निकाले हैं पहले इसी को चेक करते हैं, तो 9 18 और 36 तो कितना अंतर है, 9 प्लस 9 गया ना, फिर यहां भी करेंगे तो प्लस 18, फिर ये कितना हो गया इंटू 2। तो देखिए द सेम वे ये और ये दोनों का तरीका जो बनाने का बिल्कुल एक ही तरह है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपका कुछ भी कीजिए दो तरह से बनाए, लेकिन आंसर क्या है आपका, बी। अब यदि हम इसको लेंगे तो 8 से 6 है और 14 से 11 हो जाता है, तो 6 दूनी 12 चाहिए होगा हमें डबल के लिए, नहीं होगा। यहां यदि आएंगे तो 7, और 7 से फिर 10 हो नहीं सकता, फिर यहां आएंगे 6 से 8, 8 के बाद 7 हो नहीं सकता, तो हमें आंसर ये बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे फोर्थ नंबर में 6, 8, उसी तरह दिया है हमारा 3 और वॉट क्या आएगा। तो देखिए जब छोटा नंबर हो तो हमें थोड़ा सोच के चलना पड़ता है, यदि यहां पे 8 है, यदि यहां 2 होता, 1 होता, 3 होता, तो हम सोचते हैं कि स्क्वायर है उससे माइनस 1 है, या क्यूब है उससे माइनस या प्लस 1 है, लेकिन यहां क्या 6 और 8 है, तो यहां डायरेक्ट वे बना सकते हैं कि जैसे 6 को 2 से जोड़ दिए तो 8, उसी तरह हमें 3 से 2 को जोड़ेंगे तो 5, ये होना चाहिए आंसर में है 5, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, नहीं है, मीन्स इस सेम सिंपल वे में नहीं दिया गया ये। तो हमारा कौन सा वे में दिया गया, हमें पहचानने होगा कैसे, जितना ज्यादा द मोर यू प्रैक्टिस द इजी टू गेट इट, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 है तो 6 को प्लस 6/3 कर देते हैं, 6 लिख लिए हम, 6 का 6 रहने दिए, और 8 लाना है तो मीन्स 2 को ऐड करना है, ये सब दिमाग में रखना होगा। 6 से कितना ज्यादा है तो 2, तो 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 आ गया मेरा, तो कितना हो गया ये 6 + 2 = 8 आ गया मेरा यहां, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। द सेम वे हमें ये करना होगा तो 3 + 3/3, क्यों, क्योंकि 3 यहां 6 का 6 लिख दिए तो द सेम 3 का हम 3 लिख देंगे, प्लस हम 6, ये जो 6 है इससे हम 3 से डिवाइड किए तो द सेम वे हम इस 3 को फिर 3 से डिवाइड करके ऐड कर देंगे, जैसे इसमें ऐड किए तो हमारा कितना आ जाएगा यहां 3, अब प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 21 = 4। अब हमें देखना है कि 4 ऑप्शन में है या नहीं है,
तो देखिए 2, 4, 6, 8 तो 4 मेरा डेफिनेटली दिया गया है जो कि आपका आंसर होगा और ये परफेक्ट सही है। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। देखिए 2/3 उसी का जो रिलेशन है 19/29 मीन 19/29। द सेम वे हमें क्या चाहिए 8/60 8/7 है तो हमें वाट के स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम पहले ऊपर का रिलेशन नीचे का रिलेशन को अलग अलग करके बनाएंगे या कभी क्या होता है आपका क्रॉस दे देता है ऐसे इसका इससे रिलेशन इससे इससे रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन में क्या दिया हुआ है हमें देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले 2/3 है, हमें 19/29 19/29 का रिलेशन चाहिए। तो हम इजी वे में जाएंगे ऊपर से ऊपर। क्या करना है हमें 2 को 19 कैसे ला सकते हैं हम, तो 2 को 9 से गुना करके हम 1 जोड़ देंगे, 2 नाम 18 और 1 19। उसी तरह हम 3 को 29 कैसे लाएंगे, तो 3 × 9 = 2 3 × 27 और 2 × 29। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि 2 को हम 9 से गुना किए ठीक है और उसमें 1 जोड़े मीन्स 1 क्यों जोड़े और यहां 2 क्यों जोड़े। देखिए 1 इसलिए जोड़े क्योंकि यहां पे 2 है तो 2 से हम 1 को कम करके जोड़े। क्या किए 2 को 1 से कम करके 2 − 1 = 1 तो वही 1 को हम क्या किए यहां पे ऐड कर दिए। द सेम वे 3 है तो 3 − 1 = 2 तो यहां पे हम द सेम वे 2 जोड़े। समझ में आ गया आपको। तो देखिए 2 नाम 18 और इसे 1 कम जोड़ेंगे 1 तो 19, फिर 3 नाम 27 इससे 1 कम जोड़ेंगे तो 2 = 29 तो ये मेरा कितना हो गया 19/29। अब हम क्या चाहिए 8/7 है तो 8/7 को हम क्या करेंगे द सेम वे क्या करेंगे द सेम वे तो 9 से गुना करेंगे तो 8 × 9 72 और इससे 1 कम 8 − 1 1 कम को जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमको 7 तो +7/ क्या है 7 × 9 एकदम क्लियर। और उसी तरह इससे 1 कम जोड़ेंगे तो 6 तो हमारा कितना हो गया 8 × 72 और 7 79/9 × 63 = 69 तो मेरा आंसर क्या हो गया 79/69। ऑप्शन में देखेंगे 89 है तो ये नहीं होगा, 79 है लेकिन यहां पे 89 है ये नहीं होगा, 79 है और यहां 69 है तो डेफिनेटली मेरा ये सही होगा इससे मैच करेगा और ये 80 तो होगा ही। तो ये वे है मेरा बनाने का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है 167 क्वेश्चन नंबर 6 उसी का दिया हुआ है मेरा 43 रिलेशन में। तो क्या है 43 तो हमें पहले इन दोनों को समझना होगा उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 167 को क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको हम क्या करेंगे छोटा बहुत छोटा लाना है, या तो इसका ये 3 गुना हो सकता है दुगुना हो सकता है या इससे हम 3 गुना डिवाइड करेंगे तभी तो होगा। इससे छोटा लाने के लिए डेफिनेटली डिवाइड या माइनस करेंगे ठीक है, लेकिन इसका जो वे है क्या डिवाइड या माइनस है नहीं है, क्यों क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी नहीं आएगा। तो हम क्या करना है इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे अलग अलग भी हम खंड कर सकते हैं जैसे 1 × 6 × 7 तो 1 × 6 × 7 कितना हो गया 42 लेकिन हमें चाहिए कितना 43 तो हम क्या करेंगे 1 + 6 × 7 ये कर देने से मेरा 43 तो डेफिनेटली आ रहा है। देखिए 1 और प्लस हम ये 1, 6 और 7 1, 6 और 7 है तो 1, 6 और 7 तीनों ही अंक लेना है, 1 को क्या किया ऐड किए 6 × 7 कर दिए तो डेफिनेटली मेरा 43 आ गया। तो उसी तरह क्या चाहिए हमें 245 है तो 245 को हमें क्या लाना होगा, तो हम क्या किए फर्स्ट वाला को क्या किए ऐड किए सेकंड से और इसको बाद इनटू तो द सेम वे 2 को 2 लिखे फिर +4 × 5 अब आप ऐसे नहीं कर सकते 2 और 4 को ऐड नहीं कर सकते, बोर्ड मास के अनुसार हमें बनाना होता है
तो 4 और इंटू 5 तो 4 5 जा 20 और प्लस 2 तो 22 तो देखिए 22 है 75 22 बी नंबर में दे रहा है आपका आंसर 22 ठीक है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे 5 3 4 हम वे बता रहे हैं कई क्वेश्चन का अलग अलग तरीका जो होता है बनाने का काइंड्स और टाइप्स वो बता रहा हूं कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आपको कहां पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को 10 बार बनाने से आप घर में प्रैक्टिस कीजिए लेकिन वीडियो में आप वो देखिए जो कई तरीका से क्वेश्चन को बताया जाता है। तो 5 34 यहां जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सब अलग अलग काइंड्स के हैं 6 4 5 6 4 5 तो हमें इन दोनों का रिलेशन चाहिए उसके बाद हम दूसरा इससे इसको रिलेशन देखेंगे। तो देखिए यहां पे जो वे है या तो इसको क्या कर सकते हैं कुछ ऐड हो गया हो जैसे कितना ऐड हो गया हो तो देखिए 1 1 1 यही ऐड है क्योंकि इसको ऐड कर देते हैं हम यदि प्लस कर देते हैं तो 5 4 और 6 यही आ गया मेरा 6 45। देखिए क्या किया ऐड किए यहां पे तो सेम वे हम क्या करेंगे 381 में 1 1 1 को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे तो 2 9 और 4 4 92 है ऑप्शन में तो 4 6 46 नहीं हो सकता 486 नहीं हो सकता 492 देखिए सी में आपका ऑप्शन डेफिनेटली सही दे रहा है 492 और डी 412 है जो कि नहीं हो सकता तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा 492 क्यों क्योंकि इसमें जो है हमारा इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है प्लस 111 तीनों को एक एक से जोड़ दिए या 111 को जोड़ दिए उसमें भी हम 381 में क्या किए 111 से हम जोड़ दिए या तो 111 को लिए उससे जोड़ दिए या सब में अलग अलग भी आप एक एक करके जोड़ दिए सेम वे है। अब हम क्वेश्चन नंबर आएंगे 8 देखिए क्वेश्चन 8 क्या है 14 है और यहां है 225 हमें इन दोनों का रिलेशन चाहिए तो देखिए हमें इस चीज क्वेश्चन को बनाने के लिए डेफिनेटली स्क्वायर क्यूब कुछ हद तक तो जानना ही चाहिए एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होना चाहिए स्क्वायर और क्यूब तो उससे क्या होगा तुरंत आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ है। तो 14 है और यहां 225 है क्या रिलेशन हो सकता है तो देखिए यहां रिलेशन ये है कि हमें इससे तो तुरंत पकड़ा गया कि 15 का स्क्वायर है क्या है ये 15 का स्क्वायर है तो हमें क्या है 14 है और यहां 15 का स्क्वायर है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं 14 + 1 = 15 का स्क्वायर मींस क्या किए 14 है और यहां 15 का स्क्वायर है मतलब 14 में 1 जोड़ दिए तो 15 ठीक अब 15 = 15 का स्क्वायर द सेम वे ये आ गया आपका मींस 14 + 1 15 का स्क्वायर ये इधर से आ रहा है नीचे ये इधर से आ रहा है नीचे और ये इससे आ रहा है नीचे ये इससे आ रहा है नीचे ठीक है तो 14 और 225 है तो 14 में 1 जोड़ दिए ठीक है 15 और 225 के मतलब क्या है 15 का स्क्वायर मतलब यहां जो लास्ट 15 आया वो 15 का स्क्वायर ही आंसर होगा आपका ठीक है तो इसका मतलब क्या है 14 है तो 14 + 1 15 और इसका स्क्वायर ठीक है 14 + 1 15 और उसका स्क्वायर ठीक है द सेम वे हम क्या बनाएंगे इसी को 17 तो 17 है और हमें क्या चाहिए तो 14 था 1 जोड़ के इसका स्क्वायर कर दिए तो 17 में हम 1 जोड़ देंगे तो 18 और 18 का स्क्वायर कर देंगे तो 324 एकदम इजी वे है 14 था 1 जोड़ के 15 का स्क्वायर किए 17 है 1 जोड़ के स्क्वायर कर दिए 17 में 1 जोड़ 18 18 का स्क्वायर 324 तो 324 आपका आंसर होना चाहिए सी में देखिए सॉरी 42 है बी में देखिए आपका आंसर दे रहा है 324 सी में 342 दे रहा है जो कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में भी हमारा आंसर स्पीड में बना देते हैं सही लेकिन गलत टिक मार देते हैं या ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर देते हैं जैसे मैं अभी गलत कर रहा था ठीक है बी आपका इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 का बात करूंगा और ये क्वेश्चन है 8 ये मेरा ये छूट गया क्वेश्चन 8 को मैं 9 कर दिया ठीक है तो ये क्वेश्चन मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं 12 को हमें क्या चाहिए 132 या बाय मिस्टेक क्वेश्चन 8 जो है वो एक्चुअली छूट गया और इसलिए नंबरिंग मेरा गलत हो गया क्वेश्चन नंबर 10 12 132 14 डैश तो 12 132 है तो क्या है 12 का स्क्वायर में 12 घटा देते हैं 132
2 मेगा डेफिनेटली आ जाएगा, 12 का स्क्वायर मीन्स 144, 144 में 12 घटाएंगे तो 132। आप क्लियरली देख सकते हैं 12 है 132 है। पहले बता रहे हैं कि जब छोटा से काफी बड़ा हो, स्क्वायर और क्यूब का मैटर है और उसमें कुछ प्लस या माइनस हो सकता है आपका, तो 12 है तो 12 का स्क्वायर किए तो 144 और उसमें 12 घटा दिए तो 132। तो द सेम वे हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर तो 14 और हमें क्या चाहिए 1। तो देखिए 12 का स्क्वायर में क्या घटाए हम 12, तो 14 का स्क्वायर में भी हम 14 घटा देंगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 14 तो 196 माइनस 14 इक्वल टू 182। देखिए साफ क्लियर भी है कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 196 में हम 14 घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहां 12 का स्क्वायर करके 12 घटाए, उसी तरह 14 का स्क्वायर करके 14 घटाएंगे तो 182। तो देखिए यहां आपका डी नंबर में ऑप्शन दे रहा है 182, जो डेफिनेटली सही होगा आपका आंसर। अब जो क्वेश्चन छूट गया था आपका ये, तो ये मैं बताऊंगा अभी आपको। एक्चुअली 8 नंबर वो क्वेश्चन था जो मैं 8 में बता दिया, वो 9 था, जो 9 में बता रहा था वो 10 था। तो हम क्या करेंगे इसमें 23 नंबरिंग गलत हो गया सिर्फ 23 और 6। तो देखिए इन दोनों का रिलेशन चाहिए हमें, कई देखिए या तो इससे हम गुणा करके एक घटा सकते हैं, 6 × 4 − 1 23 हो गया मेरा। यदि हम इधर से चलें तो द सेम वे भी मिलना चाहिए 43 या डैश, तो 43 और डैश तो, सॉरी डैश, तो क्या घटाएंगे हम, तो देखिए इसमें से हम 4 को इंटू करके एक घटा दिए तो 23 हुआ, तो हमें किससे क्या इंटू करके घटाएंगे जो 43 हो जाए। तो ऑप्शन में जाएंगे तो 10 में से यदि हम 4 गुना करेंगे तो 40 हो गया, तो जोड़ना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। 9 में से 4 गुना करेंगे तो 36 ही होता है, 18 4 गुना करेंगे तो 72 हो गया, और 12 से गुना करेंगे तो 48, 48 से घटाएंगे तो 47, 43 जो कि नहीं होगा, इसलिए ये भी मेरा गलत दिया हुआ है। हम इन दोनों को यदि इंटू कर दें तो 2 × 3 = 6, तो यहाँ 6 आ गया मेरा, डेफिनेटली सही है। उसी तरह हम 4 और 3 जो रिलेशन दिया हुआ है 43 वाट, तो 43 और वाट की जगह पे 4 × 3 कर दें तो 12, तो मेरा 12 आंसर होना चाहिए। तो 10, 9, 18, 12, तो 12 मेरा आंसर बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कॉमेंट ऑन कॉमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन कॉमेंट इफ पॉसिबल, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली मेक another video for this chapter, and I hope you like, so definitely like. Okay, thank you.